अलख निरंजन। हे माई, क्या आपके महल से इस योगी को, इस संत महात्माओं को थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी? अरे ये कौन है जो इस प्रकार महलों में अलग जगा रहा है, वो भी इतनी मधुर आवाज में? हाँ माई। अरे आप, एक फकीर तुम्हारे दरवाजे पर आया है। महाराज आप? महाराज नहीं, साधु जी महाराज कहिए। ये क्या वेशभूषा बनाई हुई है आपने अपनी, ये क्या है? मैं जानता हूँ तुम यहाँ की महारानी हो, तो आप भी तो महाराजों पर, ये क्या है? लेकिन बाबा जी ते ना थोड़ा दूर तक ही बात करना चाहिए। बाबा जी? हाँ बाबा जी। कौन बाबा जी? तेरे सामने खड़ा है। आप बाबा जी हो? महात्मा, सॉरी। फिर यहाँ के महाराज कहाँ है? अगर आप बाबा हैं तो महाराज कहाँ है? यहाँ की महारानी तो आप हैं। तो महारानी का कोई महाराज भी तो होगा, मतलब महाराज भी आप ही हो और महारानी भी आप ही हो। ऐसे कैसे? ये कपड़े लत्ते ये उतार के फेंक दीजिए और वही राज महलों वाले शाही वस्त्रों को धारण कीजिए। महारानी, ये आपके ऊपर सूटेबल नहीं है महाराज। एक महात्मा के कपड़े भी उतरवाएगी, मतलब चेंज करवा रही हूँ, चेंज वेशभूषा, ये बदल लीजिए, वही धारण कीजिए जो हमेशा पहनते हैं आप। अब मैंने मूंड मुड़ा लिया, कान पड़ा लिए, भगवा गेरवे वस्त्र धारण कर। मूंड मुड़ाने की तो ऐसी बात है महाराज, मूंड तो वैसे ही मुड़ा सा ही पड़ा है आपका पहले से ही, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपका ये भेष पसंद नहीं आ रहा है। और नीचे रुक के देने से काम नहीं चलेगा, ऊपर महलों में आ जाइए। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कंठी ले ली है। किसकी? योग ले लिया है। गुरु जालंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहे। जब कंठी लेनी थी तो महाराज पहले ही कंठी ले लेता, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? आपकी जिंदगी तो आबाद है, आपकी यहाँ की राजरानी हो, पटरानी हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तेरे में श्रद्धा है दान देने की, हाँ इधर आ जी। मैं किसी के भी घर चले जाऊं, इतनी देर में तो 20 रुपए भिक्षा मिल जाती, इतने सवाल जवाब किए जा रही हो। अगर मेरे पास भी आपकी जगह कोई और आता तो 40 बार भिक्षा दे देती अब तक। तो ला, घाल दे झोली में भी। लेकिन तेरे जैसे का क्या करूं? आपके पति भी आपको माँ कहते हैं, वो कह रहा है और भिक्षा और मांग रहा है माँ कह के, वो भी अपनी पत्नी से। अच्छी बात है इसकी दादी माँ। अब इधर आ, सुन मेरी बात, दिमाग खराब मत कर मेरा। साधु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अरे तो रोका खा जा, सुन ले मेरी बात। साधु बोले, तेरी नजर में मैं साधु नहीं हूँ, ना कभी था और ना कभी होगा। अरे मेरे लड्डू, ऐसी बातें तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। लड्डू? हाँ मेरा रसगुल्ला है, तू रसगुल्ला। अच्छा रसगुल्ला लड्डू कह के जी, तो मेरा ऐसा करे तने कच्चे ने खा लूं जले, पर तो बन तो तू बाबा गया ना, खाऊं कैसे? और वैसे भी तेरे अंदर हड्डी हड्डी है, स्वाद ही नहीं आएगा, सुन मेरी। तो बाबा जी में तो हड्डी होनी चाहिए, जिसका पेट लिकड़ जाए वो साधु नहीं, वो तो स्वादु हुआ करता है। ओहो, हमारे पास भी है पेट लिकड़ा एक दो। अरे तड़े खड़ा क्यों रुके मारे, तू चढ़ जा जीने पर के। अरे एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरे क्या हो। एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए, दे जा तड़े उतरे के। तड़े खड़ा
छोड़ पाछली लाई सोने के मने ढाल परोसे हो सोने के मने ढाल परोसे जी मलिए मन भर के ये राख घोल के पी जा साधु हरि का नाम सुमर के एक मुट्ठी मने मिर्चा चाहिए समझ में आई बात समझ में आई रे सोलह रानी मास बिठा दे कन्या घरिया कुवारी साधु का ना काम बावड़ी इसे काम करे घरवारी काम करे घरवारी
ते तने क्यों ब्याही थी हो फैसला होगा परमेश्वर के ए मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए सतगुरु का चेला था सोनिया चेला था सोनिया अरे न्यूते में भी जाने गई रे हो न्यूते में भी जाने गई मेरा पेंडा छूट मर के आनंद के क्या आनंद के दिन काटे जाइए कैसे गुड सबर की बरे के